हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे वह एक बच्चे के लिए तरस रहा है, मैं एक्टर बनने के लिए तरस रही हूँ, मैं उसकी एक झलक पाने को तरस गया था, मैं एक बेहतरीन जीवन के लिए तरस रहा हूँ, वह तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा था, मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस गया हूँ। सो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो आइए देखते हैं वह स्ट्रक्चर जिससे हम प्रॉपर वे में अपने सेंटेंसेस मेक कर सके। सो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा आज का फ्रेज है के लिए तरसना, मींस किसी चीज़ या किसी काम को करने के लिए तरसना। इसका इंग्लिश फ्रेज होगा यर्न फॉर। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यर्न फॉर। यर्न फॉर हम यूज़ करेंगे जब हमें किसी थिंग की बात करनी है, एंड यर्न टू फॉर एनी एक्शन, एंड यर्न हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह एक बच्चे के लिए तरस रहा है, ही इज़ यर्निंग फॉर अ किड, ही इज़ यर्निंग फॉर अ किड। नेक्स्ट वन इज मैं एक एक्टर बनने के लिए तरस रही हूँ, आई एम यर्निंग टू बिकम एन एक्ट्रेस, आई एम यर्निंग टू बिकम एन एक्ट्रेस। नेक्स्ट इज मैं उसकी एक झलक पाने को तरस गया था, आई हैड यर्न फॉर अ ग्लिम्स ऑफ हर, आई हैड यर्न फॉर अ ग्लिम्स ऑफ हर। नेक्स्ट इज मैं एक बेहतरीन जीवन के लिए तरस रहा हूँ, आई एम यर्निंग फॉर अ लेविश लाइफ, आई एम यर्निंग फॉर अ लेविश लाइफ। नेक्स्ट वन वह तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा था, ही वॉज यर्निंग फॉर योर लव, ही वॉज यर्निंग फॉर योर लव। द नेक्स्ट वन इज मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस गया हूँ, आई एम यर्निंग टू ईट पिज़्ज़ा। यहाँ हम एक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए यर्निंग टू का हम यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इस फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो गई है। सो आप भी एक एग्जाम्पल बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।